दोस्तों नमस्कार। आज प्रातःकालीन खबर में आपका स्वागत है। मैं नीलम कुमार सिंह आपके सामने लेकर आया हूं आज की ताज़ा खबरें। हम प्रारंभ करते हैं कानपुर की खबरों से। कानपुर देहात के सिकंदरा में विगत एक सप्ताह में लगभग 151 सोरों की मौत हो चुकी है। विगत 3 दिनों में 19 सोरों की मौत हो गई है। अवगत करा दें कि सुअर एक ऐसा जानवर है जिसकी मौत बहुत मुश्किल से होती है, आसानी से वो मरने की ओर नहीं जाता है। सड़कों पर कुछ भी खाता घूमता रहता है लेकिन उसकी मौत बहुत आसानी से नहीं होती। इन मौतों की वजह बताने में जो पशुधन विभाग है वो अभी तक सफल नहीं रहा है। पशुधन विभाग के अधिकारी जरूर मौके पर गए हैं लेकिन अभी तक वो इस बताने में सक्षम नहीं हो सके कि इनकी मौत क्यों हुई। इनकी मौत से पहले इनको काफ़ी तेज़ बुखार आता है और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। दूसरी खबर अच्छी नहीं है क्योंकि समाज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कानपुर के जाजमऊ में एक रिटेल स्टोर का मैनेजर जो कि अपने महिला साथियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, एक महिला कर्मी ने उसकी रिपोर्ट जाजमऊ थाने में लिखाई है जिसमें उसने रेप का भी आरोप लगाया है और ये बताया है कि अन्य महिला कर्मियों के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता था। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। कानपुर देहात से ही एक और खबर है कि कानपुर के देहात के एसपी को न्यायालय ने तलब किया था, एसपी नहीं पहुंचे और न ही उन्होंने कार्रवाई भी की। इस बाबत एसपी के विरुद्ध न्यायालय ने डीजीपी को पत्र भेजा है। यहाँ पर बड़ा अजीब सी स्थिति है कि न्यायालय अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। चित्रकूट से खबर है। चित्रकूट हाईवे पर बोलेरो पलटने से 9 लोग घायल हो गए हैं। अभी तक किसी प्रकार के दुखद खबर नहीं प्राप्त हुई है। उम्मीद करते हैं ऐसी कोई खबर आएगी भी नहीं। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 12 घायल हो गए हैं। नोएडा में अभी कुछ दिन पहले ही 2 ट्विन टावर को गिराया गया है। 2 ट्विन टावर कहना उचित नहीं है, ट्विन टावर को गिराया गया है। जो 2 टावरें थी, एक 32 मंजिल की थी, एक 29 मंजिल की थी। नोएडा के जलवायु विहार में दीवार बनने से, दीवार के गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई जो कि मजदूर बताए जा रहे हैं और 12 अन्य घायल हो गए हैं जिनको कि निकाल लिया गया है। अब चलते हैं कश्मीर की ओर। कश्मीर के अनंतनाग में इमरान हाशमी ग्राउंड जीरो की एक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग टीम पर पथराव किया गया था। इस पथराव में कथित रूप से शामिल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पड़ोस का राज्य उत्तराखंड, जो कि पहले यूपी में ही हुआ करता था, उत्तराखंड में विपक्ष के नेता का आरोप है कि सरकार ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पेपर लीक होने के मामले को लेकर बड़ी मछलियों को बचा रही है। इस मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। पंजाब, अभी कंट्रोवर्सी चली रही है कि फ्रैंकफर्ट में लुफ्तांसा के मान से पंजाब के मुख्यमंत्री को कथित रूप से शराब के नशे में होने के कारण उतार दिया गया था। इसी बीच पंजाब कैबिनेट ने अनुमोदन किया है कि 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें कि वे विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त करेंगे। कर्नाटक में 5,000 सिपाहियों की पुलिस में भर्ती की घोषणा की है सरकार ने, जो कि आगामी वर्ष में 5,000 सिपाही कर्नाटक पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। ऑस्कर 2023 के लिए गुजराती फिल्म चलो शो को आधिकारिक तौर पर एंट्री प्राप्त हुई है। कांग्रेस ने कहा कि यदि वो गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी।
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हरा दिया है। मनोज पांडे सेनाध्यक्ष भारत के, उनके द्वारा कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख सीमा के अनुभव के आधार पर आवश्यक है कि उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय तैयारी की जाए तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए। ये दोनों अति महत्वपूर्ण हैं, ऐसा सेना प्रमुख श्री मनोज पांडे का कहना है। एडमिरल एच हरि कुमार के अनुसार भारत की नौसेना पूर्ण रूप से 2047 तक स्वावलंबी हो जाए। मुझे यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2047 अर्थात आज से 25 वर्ष बाद नौसेना स्वावलंबी हो जाएगी। ये कहना कहाँ तक उचित है कि 2047 तक कितने तकनीकी विकास हो चुके होंगे, हमें क्या आवश्यकता होगी, क्या इस बात की जानकारी नौसेना प्रमुख के पास आज हो सकती है या किसी के पास भी आज हो सकती है, किस रफ्तार से तकनीकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, इस विषय में कुछ भी कहना मैं नहीं समझता उचित। ये मेरा व्यक्तिगत विचार। किंग चार्ल्स 3 को आधिकारिक तौर पर किंग बनाया गया। इसके अलावा अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। यूक्रेन का अलगाववादी क्षेत्र डोनेस्की लुहेंस, इस क्षेत्र को रूस में ले जाने के संबंध में वहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। ये क्षेत्र पहले से ही यूक्रेन से अलगाववादी रहा है। यहाँ पर अगर जनमत संग्रह कहता है, जनमत संग्रह के दौरान जो नतीजे आते हैं उनमें अगर जनमत ये कहता है कि इसको यूक्रेन से अलग रूस में मिला देना चाहिए, तो इस क्षेत्र को रूस में मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। यूक्रेन से ही एक अन्य खबर है कि यूक्रेन की सेना ने रशिया की 151 रशियन ट्रुप्स को दक्षिणी यूक्रेन में हरा दिया है। वहाँ पर 7 टैंक 19 आर्मर्ड व्हीकल्स, 4 MSTA और 4 MSTA-B हॉविंजर तोपों को नष्ट कर दिया तथा अन्य कई साजो सामानों को नष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि युद्ध 24 फरवरी 2022 को प्रारंभ हुआ था। शायद रूस ने भी उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा और अब तक 6 माह से भी अधिक हो चुके हैं और युद्ध अभी जारी है। ये मानवीय विभीषिका है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा इस बात की अपील भी रूसी राष्ट्रपति से की गई है। नतीजा क्या आता है ये भविष्य ही बताएगा। 24 फरवरी से आज तक अनेकों घटनाक्रम हुए हैं, परंतु अभी तक यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं और ये मामला नाटो से जुड़ा हुआ था। यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था और रूस इसके विरुद्ध था। इस प्रकार अभी युद्ध जारी है और कितने दिन चलेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल डॉट न्यूज़ फॉर्मरली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके सामने इसी प्रकार की खबरों के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।